केतकी माटेगांवकर अभिनेत्री और गायिका, इसके चचेरे भाई ने अक्षय माटेगांवकर, इसने खुदकुशी कर लिया। 21 साल का यह इंजीनियर लड़का, नौकरी नहीं है और बेकार जीवन है। अब बेकारी में कैसा जिएंगे, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, ऐसी नोट लिखकर उसने खुदकुशी कर लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन की वजह उनकी रहती है, ज़्यादातर डिप्रेशन, और उनको उस समय ऐसी भावनाएं हो जाती कि अभी अपने लिए कुछ भी पड़ा नहीं है, अभी जीने में कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि हर एक को लगता है कि हमने जीवन जीना चाहिए, हर एक को लगता है कि हम 100 साल तक जीने वाले हैं, फिर ऐसा होने के बाद में ऐसा क्यों होता है कि आदमी खुदकुशी कर लेता है, तो वो भी देखना जरूरी है। स्वर्गीय बाबा आमटे, इनकी जो ग्रैंड डॉटर है डॉक्टर शीतल आमटे, इन्होंने भी दिसंबर 2020 में आत्महत्या कर लिया। सुशांत सिंह राजपूत जून 2020 आत्महत्या कर लिया। तो लोग क्यों ऐसे आत्महत्या करते हैं, जब एक इंस्टिंक्ट है जीवन जीने की कि मेरे को लगता है कि जीवन जीना चाहिए मैंने, तो फिर लोग खुदकुशी खुद होकर क्यों अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। तो उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि भाई एट ईगो लेवल उसको लगता है कि अभी मुझे बहुत शर्मिंदा जीवन जीना पड़ेगा, अभी मैं जीवन जीता हूं तो वो ज्यादा यातना देह होगा, वेदना देने वाला होगा अभी जीवन जीना, तो इसके बदले मर गया तो अच्छा है, कंफर्टेबल होगा, मैं इसमें से छुप जाऊंगा। तो जीवन जीना उसके लिए भी तकलीफ देह होता है। हालांकि हम जीवन जीते हैं, हमको जीना है 100 साल तक, पर अभी उसको लगता है कि अभी इसमें से कोई मतलब नहीं, अभी मैं जीवन जी नहीं सकता हूं, ये बहुत ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, अभी यहां से भाग जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा। और वो विचार आते रहते कंटिन्यूसली, और इतने विचार आते हैं, दन 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 चालू रहते हैं, कि विचारों में वो खुदकुशी कर लेता है। उस समय वो उस समय यदि कुछ उसको सपोर्ट मिल जाता है, कोई उससे बात कर लेता है, कोई इसका मन बहलाता है, वो विचारों की श्रृंखला तोड़ देता है, तो हो सकता है कि वो सुसाइड बच सकती है। स्पेशली शराबी जो लोग हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो लोग शराब बहुत पीते हैं और शराब के वो इन्फ्लुएंस में खुदकुशी कर लेते हैं। उनको शराब पीने के बाद में ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया, ये जीवन जीना ठीक नहीं है, मगर मैं रोक नहीं सकता हूँ, तो इससे अच्छा बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। और होता क्या है कि शराब पीने के बाद में डेयरिंग बढ़ जाती है, और डेयरिंग बढ़ गई तो खुदकुशी करने की भी डेयरिंग बढ़ जाती है, और आदमी खुदकुशी कर लेता है। तो हमने ये देखना चाहिए कि भाई ये लोगों को जो डिप्रेस्ड है उनको सपोर्ट करना, जो सुसाइड के बारे में बोलता है, बातचीत करता है, उनको सपोर्ट देना। क्यों? क्योंकि सुसाइड ऐसा कोई एकदम अचानक नहीं कर लेता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वो एक वार्निंग देते रहता है, और वो वार्निंग हमने आजू बाजू के लोगों ने पकड़ना जरूरी है। वो बोलता है कि नहीं मुझे जीना नहीं है, मैं मर गया तो अच्छा रहेगा, कभी एक दो गोली खा लिया, कभी कुछ करना है, तो उसको लगता है कि भाई मर जाऊँ तो अच्छा है, और वो एक्सप्रेस भी करते रहता है। पर हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं ये क्या बोल रहा है, सिर्फ कुछ करने वाला तो है नहीं, नहीं तो बोलता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है, 10 में से जो कंप्लीट सुसाइड हुए हैं, कंप्लीट मर गए, तो ऐसे 10 लोगों में से 9 लोगों ने पहले एक वार्निंग दी है कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ। तो वार्निंग पकड़ना जरूरी है, वार्निंग पकड़ के हम इनको सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली उस समय टाइम निकल जाएगा और जान बच जाएगी। थैंक यू वेरी मच।